और अब मैं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र नागर जी को आह्वान देती हूँ कि वे आए और वो कुछ कहना चाह रहे हैं आप सभी से। नहीं, धन्यवाद मैम, मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मंचासीन वरिष्ठ लोग हैं उनका और जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं जो एक्टिविस्ट है और समाज में काम करते हैं, हमारा निवेदन है कि हमारी आयोजन समिति की तरफ से और एनवायरमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन की तरफ से शहर की जो प्रथम नागरिक हैं मेयर महोदय, वो सबको मोमेंटो देखें, उनका मतलब हौसला अफजाई करें। तो मैं इसी क्रम में पहले मन से मैं चाहूँगा मैम एक बार आप आ जाइए, आपके हाथ से हमारे जो वैज्ञानिक भी आए दिल्ली से उनको भी लगेगा कि गाजियाबाद में आए और उनका स्वागत हुआ है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले हमारी मेयर महोदय श्री VP यादव जी, जो एडिशनल डायरेक्टर है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मैं इनके बाद निवेदन करूंगा। प्रोफेसर सिराजुद्दीन अहमद साहब, आप सीनियर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जामिया मिलिया इस्लामिया, आप बहुत कम समय के लिए आए थे लेकिन आपने पूरा समय दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि महिलाओं का, अब तो मेयर महोदय भी हैं लेकिन जिन्होंने आके महिला वर्ग का रिप्रेजेंटेशन किया, और हमारे शहर की DFO महोदय श्रीमती दीक्षा भंडारी जी IFS हमारे बीच में, मैं चाहूँगा उनका भी आप जो है उनका भी हौसला अफजाई करें। और फॉरेस्ट और एनवायरमेंट, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ये दोनों एक ही दूसरे के पहलू है, बिना वन के एनवायरमेंट नहीं और बिना एनवायरमेंट के जंगल नहीं, तो मैम के साथ बहुत काम करना है। अब मैं चाहूँगा कि हमारे सिरोही साहब को एक मोमेंटो देखें मैम, पूर्व विधायक हैं, हमारे सीनियर भी हैं लेकिन आपके चाचा जी भी, बहुत खुशी की बात है। मैं चाहूँगा सत्येंद्र सिंह जी को भी मोमेंटो देखें, उनको उन्होंने बहुत काम किया है, दो दिन से मंथन किया है, उनको हम अपनी संस्था की तरफ से सम्मान प्रतीक चिन्ह देना चाहते हैं सत्येंद्र जी। मैं चाहूँगा सत्येंद्र के साथ मिसेस सत्येंद्र जी भी हैं, वो भी आ जाएं। इतना अथक प्रयास मैम ने किया है, मैं तो दो दिन रहा कि हिंदी भवन में, यहाँ उन्होंने मतलब हिंडन का, लेकिन कहावत है ना कि अंत भला तो सब भला, ये कार्यक्रम इतना अच्छा हो गया है कि जिनको बुलाया वो सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा दोनों दंपति को मैम करें स्वागत करें। हमें राकेश अग्रवाल जी जो हमारी HDA के भी संरक्षक सदस्य हैं और ECFO के आप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं दिल्ली में, आप लेक को ठीक कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहूँगा हमारे बीच में अभी जो बहुत अच्छा वक्तव्य दे के गए संजय कश्यप जी, चले गए शायद, संजय कश्यप जी आप काफी काम कर रहे हैं, हमारे आपको मिलके अब हिंडन नदी को ठीक करना है किसी भी कीमत पे, मेयर महोदय का आशीर्वाद हमें मिला है। और अपनी कलम से, कलम के माध्यम से पर्यावरण के लिए काम करने वाले और शहर की मैं कह रहा हूँ समाज सेवी के तौर पे काम करने वाले, आपका बोला हाँ, मैं चाहूंगा एक उन्नति संस्था का भी आप एक मोमेंटो दें, कल आप उपस्थित, सॉरी सॉरी माफी चाहूंगा, उत्थान समिति की तरफ से भी तो मैं बता रहा था कि पत्रकार कम समाज सेवी श्री मदन पांचाल जी आप आइए, आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं, मंच पर आइए। सर आपको तो स्वागत करवाना था, एक मोमेंट तो बीके कर खाना खिला था, और कौन बर्तन बांट रहा, बर्तन में सामान में बांट रहा हूँ, वीक ठीक है। मैं चाहूंगा संस्था की तरफ से VK अग्रवाल जी को भी मैं मोमेंटो दे के वो करें, VK अग्रवाल जी नहीं नहीं ये हमारी तरफ से आपके लिए, हाँ हाँ दो लीजिए आप, नाराज हो गए, दो दो है, बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, अभी बहुत काम करना है, आप वरिष्ठ हैं शहर के, वो हैं बट ठीक है मैम आपका संभालो, ठीक है बट ठीक है चलो धन्यवाद। मैं समय कम है शॉर्ट करता हूँ, अब मैं मदन पांचाल जी को बुलाना चाहूंगा, वो जल्दी से मंच पे आए, अरे आइए आप भैया, पत्रकार जर्नलिस्ट तो जान है, नहीं इसने मेरे को
हाँ, ये मेरे बड़े भाई, मैंने बोला कि मैम को आपको लाना है और इन्होंने अपना हक अदा किया। अब मैं रविंदर चौधरी जो भगत राम से प्रसिद्ध हैं, हम उनको संस्था, अच्छा ठीक है, ममता गुप्ता जी जो समाज सेविका है शहर में, नशा मुक्त भारत संघ चला रहे हैं, उनको मैं आमंत्रित करूंगा, मिल के दे देंगे ना, अभी और भी हैं, बाद में वही देने दे देंगे। हाँ ठीक है, और डॉक्टर अल्पना सुहासनी जी जो तीन दिन से इतना अच्छा, मतलब इतनी मृदु भाषी और इतना अच्छा संचालन किया है, और मिसेस नागर भी हैं आप, तो आपका बहुत बहुत जो मास्टर जगत नागर जी जो ईएचडीए के संरक्षक सदस्य भी हैं, और विजेंद्र सिंह किसान नेता और समाज सेवी, भूपेंद्र नागर जी, डॉक्टर सरोज सिरोई मैम, डागर साहब साथ चले गए, रवीद अहमद जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है और इस कार्यक्रम में बहुत भूमिका निभाई, और सत्यार्थ सांडिल्य जी जो एक ईएसडीए के बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी है, वॉलेंटियर हैं, इस कार्यक्रम में काफी भूमिका आपकी रही है। हाँ बस ये रख लो, दो रख लो, अब ये दे दो उत्थान। हाँ अब उत्थान समिति की तरफ से दिवा रहे राज शर्मा जी की तरफ से, अब देंगे, बस मैम हो गया, वो एक दो लोग चले गए हैं, आप राज शर्मा जी आ जाइए। हाँ हाँ बस विजेंद्र जी आ जाइए, आप मंच हो गया, ठीक है विजेंद्र जी, रविंदर जी ठीक है, और मैं चाहूंगा कि हम सब मेयर मेयर साहिबा को एक संस्था की तरफ से मेयर मैम का देना, अच्छा 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 रुक जाओ, चलो प्रशांत वत्स जी नहीं, दूसरे दौर में दिलवा देंगे, दूसरे दौर में ठीक है, अभी कुछ लोग रह गए, आइए आइए सर, सर आइए बस, सब आइए प्लीज, प्रवीण जी भी हैं, दीजिए दीजिए मोमेंट, जिनकी इस कार्यक्रम में विशेष भूमिका रही है, मैं चाहता हूं कि उनका हम, और शशि पंडित जी जो हमारे, शशि जी बहुत मेहनत करते हैं मैम, इनको और हमको आपके साथ हम मिलेंगे, हम वेस्ट पे काफी काम करना चाहते हैं, आपका बहुत बड़ा काम है, दिल्ली में इन्होंने जो वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया है, तो ये शहर में भी कुछ इनका करने का मन है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चाहूंगा कि अल्पना जी इसको कार्यक्रम को नहीं, मैं हम सब मेयर साहिबा का जो स्वागत करेंगे सम्मान प्रतीक दे के, जी हाँ, और अब जो है मेयर आशा शर्मा जी जो कि हमेशा अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना स्नेह देने के लिए, ये अपनत्व देने के लिए साथ रहती हैं, और किसी भी काम के लिए हमेशा उनकी सहमति रहती है, इतना साथ मिलने के बाद तो फिर हिंडन महोत्सव ही क्या, न जाने क्या क्या महोत्सव हो सकते हैं। मैम आपका साथ यूं ही बना रहे, आपका ये सहयोग यूं ही बना रहे, बेशकीमती दौलत है ये हम सभी के लिए, और तालियां वही वाली बजा दीजिए जो मैंने कल बताई थी, कैसे बताई थी, आवाज तेज होनी चाहिए,
क्या बात है, क्या बात है। अरे जी बिल्कुल, मदन जी ने बहुत सहयोग किया हम सभी को और आप सब आप तक पहुंचाने के लिए। तीन वरिष्ठ स्पीकर बोल लेंगे जी। मैम है सिराज साहब, तीनों को बुलाओ ठीक है। अब पहले वीपी यादव जी को बुलाते हैं।